नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वायरल न्यूज में। खबरों में है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के कांदिवली में देर रात बाइक सवार दो बदमाशों ने सड़क पर खड़े लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस वारदात में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि तीन अन्य घायल बताए गए हैं। फायरिंग के बाद सभी बदमाश फरार भी बताए गए। खबर है मुंबई से। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अचानक फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। फायरिंग की इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि तीन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपसी विवाद में गोलीबारी की एक घटना बीती रात करीब 12:15 बजे बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुंबई के कांदिवली इलाके में बाइक पर सवार होकर दो युवक आए और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। पुलिस इस गोलीबारी की घटना को आपसी विवाद बता रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक पुरानी रंजिश की वजह से गोली चली है जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि गोली चलाने वाले बदमाशों को पीड़ित पक्ष पहले से जानता था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपियों ने ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में 6वीं इंडिया मोबाइल क्रांति का उद्घाटन किया और 5G सेवाओं की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति मैदान में प्रदर्शनी का निरीक्षण भी किया। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने जल्द ही लॉन्च होने वाली 5G सेवाओं के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी थी। रिलायंस जियो पहले से ही 5G सर्विस रोल आउट के लिए एक टाइमलाइन साझा कर चुका है। दूरसंचार ऑपरेटर ने इस साल की शुरुआत में अपनी वार्षिक आम बैठक 2022 कार्यक्रम में घोषणा की कि वह चरणबद्ध तरीके से 5G सेवाएं शुरू करने वाला है। शुरुआत करने के लिए रिलायंस जियो सेवाएं दिवाली तक 4 शहरों में शुरू हो जाएगी जो इस महीने के अंत में है। इन शहरों में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई शामिल है। 5वीं पीढ़ी यानी 5G दूरसंचार सेवाओं के जरिए कुछ ही सेकंड में मोबाइल और अन्य उपकरणों पर उच्च गुणवत्ता वाले लंबी अवधि के वीडियो या फिल्म को डाउनलोड किया जा सकता है। ये 1 वर्ग किलोमीटर में करीब 1 लाख संचार उपकरणों को समर्थन करेगा। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भारत में रोक लगा दी गई है। ट्विटर के अनुसार ऐसा भारत सरकार की कानूनी मांग पर किया गया है। ट्विटर के साथ इस कदम के साथ ही अब भारत में पाक सरकार के इस अकाउंट का कोई भी ट्वीट नहीं दिखेगा। ट्विटर की पॉलिसी के अनुसार ये कदम स्थानीय नियमानुसार उठाया जाता है। इसके जरिए सुरक्षा और स्थानीय कानूनों को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ता की अभिव्यक्ति का सम्मान भी किया जाता है। यहाँ बता दें कि 3 हफ्ते पहले भी ये रोक लगाई गई थी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में PFI पर 5 साल का बैन लगाने के बाद उनके ट्विटर अकाउंट पर भी रोक लगा दी गई थी। यहाँ बताएं कि केंद्र सरकार की शिकायत के बाद ट्विटर ने ये कदम उठाया था। गौरतलब है कि ED और NIA द्वारा पिछले हफ्ते ही PFI के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद ये कार्रवाई की गई थी। एजेंसी को इन ठिकानों से PFI के आतंकी संगठन अलकायदा और अन्य संगठनों के साथ जुड़े होने के सबूत भी मिले थे। अब तक कई शानदार फिल्में बना चुके निर्देशक मणि रत्नम की बहुप्रतीक्षित फिल्म PS1 पोन्नियिन सेल्वन बीते दिन यानी 30 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई। इस मेगा बजट फिल्म को लेकर उम्मीद की जा रही है कि ये बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बनाएगी। PS1 की एडवांस बुकिंग भी अच्छी रही थी। अब फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन भी सामने आ चुका है। PS1 अर्थात पोन्नियिन सेल्वन ने पहले दिन ही कमल हासन की फिल्म विक्रम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विक्रम के सभी भाषाओं को मिलाकर पहले दिन का कलेक्शन 37 करोड़ रुपए था जबकि PS1 ने 40 करोड़ के साथ ओपनिंग की है। बॉक्स ऑफिस पर PS1 के पहले दिन की कमाई के आंकड़ों की माने तो फिल्म ने शानदार बिजनेस किया है और अगर इसी गति से आगे बढ़ती रही तो बाहुबली जैसी यादगार फिल्म बन सकती है। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, चियान विक्रम, कार्ति, त्रिशा कृष्णन, जयराम रवि, ऐश्वर्या लक्ष्मी और शोभिता धुलीपाला जैसे पॉपुलर एक्टर्स की स्टार कास्ट है। ये फिल्म एक ऐतिहासिक ड्रामा दर्शाती है जो कल की कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी पोन्नियिन सेल्वन नाम की किताब पर आधारित है। रूसी राष्ट्रपति ने एक दिन पहले ही रूस की संसद क्रेमलिन में कहा था कि जनमत संग्रह के बाद शुक्रवार को यूक्रेन के 4 रूस नियंत्रित क्षेत्रों को रूस में जोड़ दिया जाएगा। शुक्रवार को उन्होंने कब्जा किए इन इलाकों को अपनी सीमा में मिलाने का ऐलान भी कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया भर की चेतावनी और आपत्तियों को दरकिनार करते हुए शुक्रवार को यूक्रेन के 4 राज्यों का अपने देश में विलय कर दिया है। पुतिन ने इन राज्यों में प्रमुखों की भी नियुक्ति कर दी है। शुक्रवार को आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति पुतिन ने जनमत संग्रह को आधार मानते हुए इन राज्यों के विलय की घोषणा की। यूक्रेन के जिन 4 राज्यों का विलय किया गया है उनके नाम है डोनेट्स,
डोनेस्क, लुहानस्क, जापोरिजिया और खेरसान पिछले साल से यूक्रेन के साथ चल रही जंग में ये रूस के जरिए बड़ा कदम माना जा रहा है। रूस की सरकार समाचार एजेंसी टास के मुताबिक शुक्रवार को ऐतिहासिक समारोह में व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में एक हस्ताक्षर करके इन इलाकों को अपने अधिग्रहित किया। क्रेमलिन ने दावा किया था यूक्रेन के इन राज्यों में जनमत संग्रह किया गया था जिसमें मास्को के समर्थन में 99% लोगों ने वोटिंग भी की थी। क्रेमलिन ने उस वक्त ही ऐलान किया था कि जल्द ही इन राज्यों का रूस में विलय किया जाएगा। कानपुर में 17 महीने तक आयकर अधिकारी पति का शव घर में रखकर उनके नाम पर सिंदूर लगाती रही बैंक मैनेजर पत्नी मिताली ने अब इसी की वजह बताई है। मिताली का कहना है कि वह जानती थी कि पति की सांसें थम चुकी है। कानपुर में 17 महीने तक आयकर अधिकारी पति का शव घर में रखकर उनके नाम पर सिंदूर लगाती रही बैंक मैनेजर पत्नी मिताली ने अब इसी वजह बताई है। कानपुर में 17 महीने तक लाश को घर में रखने के मामले में पुलिस अफसर जांच करने पहुंची तो कोऑपरेटिव बैंक की मैनेजर और विमलेश की पत्नी मिताली दीक्षित का दर्द दस्तावेजों पर दर्ज किया गया। मिताली ने 7 साल पहले विमलेश से प्रेम विवाह किया था, 2 बच्चे हुए और खुशहाल जिंदगी चल रही थी। अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर ने मिताली की जिंदगी पर ऐसा तूफान बरपाया कि उसकी दूसरी मिसाल नहीं है। जिसने जिंदगी पर ख्याल रखने का वादा कर 7 फेरे लिए थे उसी की लाश की देखरेख करनी पड़ी। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि मिताली समेत पूरे परिवार का बयान दर्ज होने के बाद बाकी तथ्यों की जांच की जा रही है। इस परिवार द्वारा विमलेश के ऑफिस से किसी तरह का लाभ लेने की तस्दीक अब तक नहीं हुई है। मलाइका अरोड़ा अपनी बोल्डनेस के लिए मानी जाती है। मलाइका अरोड़ा अब भी इतनी फिट है कि उन्हें देखकर उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। सोशल मीडिया में आए दिन मलाइका अरोड़ा की बेहद ग्लैमरस और बोल्ड तस्वीरें और वीडियोस देखने को मिलते ही रहते हैं। एक बार फिर से मलाइका अरोड़ा का सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखने के बाद फैंस उनके दीवाने हो जा रहे हैं। इस वीडियो में मलाइका येलो और लेमन कलर का लहंगा पहनकर फैशन वीक में स्टेज पर बाकी मॉडल्स के साथ डांस करती नजर आ रही है। वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है। वीडियो को विरल भयानी के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट से शेयर किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मलाइका लेमन येलो कलर के लहंगे में, बालों में गजरा लगाए, हाथों में मैचिंग चूड़ियां पहन बड़े ही खूबसूरती से स्टेज पर डांस कर रही है। वीडियो में मलाइका की खूबसूरती देखते ही बन रही है। वह इंस्टेंट बॉलीवुड पेज से भी मलाइका का एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें वे स्टेज पर अकेली हैं और मेहमानों के बीच बेफिक्र होकर ठुमके लगा रही है। सोशल मीडिया में ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की ढेरों प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। वायरल न्यूज में इतना ही, आप देखते रहिए वायरल न्यूज। नमस्कार।